नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कार्यक्रम का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत है, और हमें अपने वोट की कीमत पता होनी चाहिए। कल पहले चरण का मतदान होने वाला है, 19 अप्रैल है। 21 राज्यों में 102 जगहों पर मतदान होना है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को गुजारिश करूंगा, देशवासियों को, जहां जहां मतदान हो रहा है अपने बेशकीमती वोट का इस्तेमाल जरूर करें और अच्छे उम्मीदवार को जिता के लाए। अब हम चर्चा करते हैं इस चुनाव में। चुनाव 2024 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में अग्निपथ एक इशू बन चुका है। विपक्ष इसको आड़े हाथों ले रहा है और सत्ता पक्ष बता रहा है कि आखिर इसके बेनिफिट क्या है। यानी एक बहुत बड़ा मुद्दा 2024 के चुनावों में अग्निपथ है, जिसके माध्यम से अग्निवीरों की नियुक्ति होती है। कांग्रेस का यह दावा है, इंडिया ब्लॉक का यह दावा है कि अगर सत्ता में आएंगे तो इस अग्निपथ योजनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अगर छोटी छोटी बात बताऊं तो आयु जो है कम हो जाएगी, यानी यंग आर्मी यंग हो जाएगी, 32 से 26 साल की आयु हो जाएगी आर्मी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ सेना के पूर्व अधिकारी बोलते हैं कि सेना को रोजगार से तुलना नहीं की जानी चाहिए, सेना को सशक्त और मजबूत किया जाना चाहिए, एक्सपर्ट यानी एक्सपर्ट सेना होनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इनको 6 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल तक नौकरी करने के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद इनको 11,71,000 रुपया दिया जाएगा, साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नौकरी का भी प्रावधान रहेगा। यानी वो एक ऐसा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उस सर्टिफिकेट से आसानी से बैंकों से ऋण मिल सकता है। लेकिन विपक्ष का ये दावा है कि ये सारी की सारी योजना से सेना का मोराल डाउन हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष कहती है कि आज पेंशन कंपोनेंट में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा कम हो जाएगा, उस खर्च से हम आर्मी को और भी मजबूत बना सकते हैं। लेकिन इस दौरान यानी 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान ये अग्निपथ जो योजना है उसने तूल पकड़ा हुआ है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अग्निपथ को लेकर के सत्ता पक्ष उसकी तारीफ में उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बता रही है, और जो विपक्ष है इंडिया ब्लॉक वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये नुकसानदायक है और सत्ता में आए तो हम अग्निपथ योजना को सिरे से खारिज कर देंगे। एक बार फिर प्रोग्राम या डिबेट शुरू होने से पहले एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कल मतदान है और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपको। अब हम शुरू करते हैं डिबेट। अग्निवीर पर डिबेट रहेगी, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या दावे सत्ता पक्ष कर रहे हैं, क्या विपक्ष कर रही है। मेरे एक्सट्रीम राइट में चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, बड़े सीनियर नेता, फॉर्मर मेयर है बीजेपी में। स्वागत है सुजीत पराज जी, नेशनल कांग्रेस से सीनियर लीडर है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर एक्सपर्ट है सैनिक, इनका भी स्वागत है। साहिल शर्मा जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। साहिल जी, आपको क्या लगता है वाकई में ये जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, और आप इसका प्रचार भी वैसे ही, प्रचार या दुष्प्रचार भी ऐसे ही कर रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में जाकर के कहते हैं कि आपके बच्चे सेना में भर्ती होते थे, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने वो भर्ती भी समाप्त कर दी। धन्यवाद मोदी जी, आपने बात रखने का मौका दिया। ये सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, आपने या आपकी जानकारी से थोड़ा सा बाहर निकल गया होगा, राजनाथ सिंह का 10 दिन पुराना बयान है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम जो लगातार, जब उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष अग्निवीर को लेकर जो है, अग्निपथ स्कीम को लेकर जो है वो सवाल उठा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ जो है अगर जरूरत पड़ी चेंज की तो हम इसको जो है कंसिडरेशन में लाएंगे। ये राजनाथ सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड जो है बयान है। ये खाली विपक्ष नहीं कह रहा, ये जनरल नरवणे साहब जिनके समय में ये जो अग्निपथ जो योजना थी जिसको लेकर आए, उन्होंने एक किताब लिखी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है जनरल नरवणे ने, जो उस समय थे। और उन्होंने कहा कि जब इस स्कीम को हमारे सामने रखा गया तो जो थे हम सब बड़े हक्के बक्के रह गए कि किस तरह से जो है इस स्कीम को जो है वो हमारे सामने रखा गया है। हमने तो ये कहा था कि भाई 75% अगर आप ये स्कीम ला भी रहे हैं, आर्मी की तरफ से ये प्रपोजल था
कि 75% जो युवा होंगे उनको आप रखिए और 25% को जो है आप बाहर निकालिए, लेकिन उससे उलट जो सरकार प्रपोजल लेकर आ गई, वो सरकार जो लेकर आ गई उन्होंने कहा कि 25% को जो है रखेंगे और 75% को जो है वो बाहर निकालने का काम करेंगे। तो सिर्फ ये जो है वो विपक्ष का आरोप नहीं है। और उसके बाद अगर आप डेटा पर जाए विनोद जी, अगर आप डेटा पर जाए तो 2022 में जब ये स्कीम लागू हुई है पहले साल 30 लाख लोगों ने जो है अप्लाई किया था, और 2023 आते आते वो 15 लाख हो गया, और इस साल का आंकड़ा भी मेरे पास जो है नहीं है, अगर आप इस साल के आंकड़े में भी जाएंगे तो उसमें भी गिरावट आएगी। इससे पहले अगर आप देखें सरकार का नेचर देखें तो ये 3 काले कानून लेकर आ गए थे किसानों को लेकर लेकर आ गए थे। और उसका आइडिया किसने दिया विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से एक आदमी आया और उसने आकर जो है वो प्रधानमंत्री जी को जा कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए एग्रीकल्चर में, और वो जो स्कीम देकर जो है वो चले गए, और जिसके बाद इस देश में आंदोलन हुआ और इस देश ने 750 किसानों की शहादत को भी देखा और इस प्रधानमंत्री को भी देखा कि हम अपने लोगों को जो है वो स्कीम का जो है हम इस स्कीम को जो किसान हम कानून लेकर आए थे वो समझा नहीं पाए। इसी तरह से ये हाल है, जब ये स्कीम लेकर आए 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जिन 1.5 लाख बच्चों ने अपना शारीरिक टेस्ट, अपना रिटन टेस्ट और सारे टेस्ट जो वो थे वो क्लियर कर चुके थे, उनकी जो है सेना में अब रेगुलर भर्ती होनी थी, लेकिन इस स्कीम को लाकर उन बच्चों के भविष्य के साथ भी जो है वो खेलने का इस सरकार ने काम किया। अगर आप देखें, अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखें तो सेना में जवान सिर्फ आप उसको रोजगार से जो है वो मत जोड़िए, सेना में जवान जाता था वो देश के लिए शहादत देता था, लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर्ड होकर आता था तो उसका गांव में भी एक सम्मान होता था। बताइए 73 साल का आदमी अपने लिए तीसरा डर मांग रहा है जिसमें 22 साल से लगातार ताकत में है, लेकिन 17 से 18 साल का वो युवा जो जाएगा सेना में उसको 4 साल में रिटायर करके घर बेचना, ये सरकार का जो है इस देश के युवाओं के लिए रोड मैप है। और ठीक कहा हमने, हम भड़का नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जन विरोधी स्कीम है, ये युवा विरोधी स्कीम है, इसने आर्मी को कमजोर करने की जो है पूरी तरह से कोशिश हुई है। और जब आर्मी को कमजोर करने के लिए स्कीम लाई गई है, क्या ऐसी मंशा है आर्मी को कमजोर करने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कहती है कि राष्ट्र भक्ति सबसे पहले है, राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा काम कर रही है, विनोद जी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है। साहिल शर्मा जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा, जो जो अपोजिशन का काम है वो ये कर रहे हैं, अपोजिशन का एक ही काम है जो ब्लैक है उसको व्हाइट कहना, व्हाइट को ब्लैक कहना। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, जब मैं 16 साल का था, जब 15 साल का था, जिस गांव में मैं रहने वाला था सुंदरबनी के साथ, SSB एक होती थी, हमें वहां ट्रेनिंग दी गई थी। उस वक्त 303 की हमें वो राइफल देके हमसे वो फायर करवाते थे। उस वक्त आज से मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ और आज मैं 66 का हूँ। अगर अग्निवीर स्कीम लगाई है, अगर आई है, हमारे यहाँ विजय सागर साहब है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब ये बताएंगे, एक हमारे इसराइल है, हमारे देश इसराइल में हर कोई, हर महिला, हर पुरुष को ट्रेनिंग दी जाती है कि देश में कभी भी कोई मुसीबत आए, देश में कभी कोई प्रॉब्लम आए, उस वक्त हर एक देश का नौजवान वो तैयार पर तैयार रहना चाहिए। अग्निवीर जो स्कीम लगाई है, अग्निपथ जो स्कीम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को युवाओं को ट्रेड करने के लिए, और उसके साथ साथ जो उसमें से सशक्त होंगे, जो आगे निकलेंगे उनको आगे मौका है, जो उसमें जो अगले के स्पोर्टिंग फोर्सेज में जाए, कहीं जाए यार, उनको वो भी ये नहीं है कि एक उदाहरण में इसके साथ और भी देता हूँ। आज बहुत से हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, अपने रिलेटिव की बात करता हूँ, वो अभी अभी 18-20 साल 15 साल करने के बाद छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। आज वो लोग तुलना करते हैं, आज वो बात नहीं है कि जो एक बार भर्ती हो गया रिटायर होके ही आएगा, आज कंपैरिजन करते हैं। अगर आर्मी के अंदर उसको कहीं वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, ये एक चॉइस रखी है। हमने पहले जो था हमने बांध के रखा था कि इतने 20 साल के बाद ही आप रिटायर हो सकते हो, 22 साल के बाद रिटायर हो सकते हो, आज ऑप्शन दिया गया है 4 साल के बाद आप चाहे आर्मी में जाओ, सिक्योरिटी फोर्सेज में जाओ, जहां आपको इंटरेस्ट है वो वहां जाएंगे लोग, कोई प्राइवेट सेक्टर में आता है प्राइवेट सेक्टर में आएगा, और उसके साथ साथ उसको उसका 11.71 लाख रुपया भी मिलेगा उसको काम करने के लिए जी। ये मेरे भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब इनकी सरकारें थी 50-60 साल में डेली वेजर के लिए 580 रुपए में, 1180 रुपए में, 980 रुपए में लोगों के पास लाइने लगती थी, पर्ची देते थे, मंत्री जाओ जी भर्ती हो जाओ, 1180 580। मैंने भी करवाए नर्स सेना, रोजगार की बात करो, नर्स सेना एम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। आज जिनको जिनको 500 जिनको भैया मैं आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बोला नहीं आपके बीच में, सुनिए, अगर बोलते हो सुनने की क्षमता रखिए। जिनको 580 1180 980 में इन्होंने भर्ती किया पर्ची देके, आज वो रो रहे हैं, आज वो
पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हमें बार बार करें पक्के काम होंगे पक्के काम होंगे पक्के हो। ये अग्निवीर स्कीम इतनी बढ़िया स्कीम है, देश की एक ताकत है, एक अग्नि है। आने वाले समय में जब भी देश में आप हमारे चारों तरफ दुश्मन है, चाहे चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे और है, हम एक एक नई स्कीम लेके आए हैं। नौजवान आज देश का उसमें आ रहा है, अपोजिशन को इसके इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। कम हो गया है, आ रहा है, धड़ाधड़ आ रहा है, कम हो गया, 15 लाख की कटौती धड़ाधड़ आ रहा है। आने वाले समय में और भी 15 लाख की कटौती हुई है, देखना है। आप कैसी बातें, 4 जून के बाद देखना, 4 जून के बाद देखना किस किस्म की स्कीमें और जनरल नर्मदा रोजगारी आएंगे, आप सोच नहीं सकते। आर्मी के जवान है जनरल नर्मदा, आने वाले समय में किताब में लिखा है कि बेटा हमने नहीं की है, हमने नहीं की है। अरे अपनी किताब में लिख रहे हैं, जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, अभी लोगों की फिगर इफेक्ट से बात हो, ये थोड़ी है कि जो मुंह में आएगा वही बोलते हैं। आप साहिल की जनता सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम लोग जोर लगाएंगे इसको, आने वाले समय में क्या होता है। और बाद में पिछले पाप कह रहे हो, आपका कोई समझ नहीं, आपकी कहने की कोई बात नहीं, आप जो मर्जी कहते रहो, लेकिन जो जनता जनार्दन इस देश की लोकशाही है, जो कल पोलिंग है ब्रिगेडियर साहब आप बताइए, क्या वाकई में सेना कमजोर हुई है, सेना जवान हुई है, आपको क्या लगता है? आप एक्सपर्ट है, इसका विशेषज्ञ है, विनोद जी कार्मिस्ट भी हैं। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज बुलाया, और जो अभी तक का डिस्कोर्स मैंने सुना है तो मुझे तो आई एम सॉरी हंसी आ रही थी। वक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करके आए हैं, एंड मैं उनकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कांग्रेस के वक्ता को। बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स निकाल कर लाए हैं, परंतु उनको मैं कुछ 2-4 चीज़ें ये बताना चाहता हूँ। इन्होंने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि ये स्कीम शुरू क्यों की गई, क्या पर्पज़ था, क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए नई चीज़ लगाई जाती है। कोई भी नई चीज़ शुरू की जाती है, चलो आप इस पर सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट ये क्या पॉलिटिक्स के लाई थी? क्या ये स्कीम ये सोच के लाई थी कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2 साल के बाद या 3 साल के बाद? ऐसा नहीं था। ये जो इशू है, ये मुद्दा जो है, ये आज से कम 30 साल पुराना आर्मी के वेरियस सर्कल्स में डिबेट हो रहा है। वो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास इंडियन आर्म फोर्सेज के अंदर। पहली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा जो सिपाही आता था, भर्ती होता था, वो हवलदार रिटायर हो जाता था रफली 34-35 ईयर्स की एज में, एंड दैट वॉज नो एज टू रिटायर। एक आदमी आपके पास आता है 35 साल का, ना वो इधर है ना वो उधर है, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको करने के लिए NFU लाया गया, करियर प्रोग्रेशन लाई गई, करते करते वो एज चल गई 47-46 के आसपास। अब इससे नुकसान क्या होता है? एक इंडिविजुअल का तो फायदा हो गया, उसका तो घर चल गया, परंतु जो आर्मी है वो उसकी जो यूथ है, जो उसकी एज है, एवरेज एज है, वो बढ़ती चली जा रही है। जवान जिसने लड़ना है, कारगिल की चढ़ाइयाँ अगर आपने देखी हैं तो, या सियाचिन का टेरेन आपने देखा है या लद्दाख का देखा है, तो उसके लिए एक बंदा फ्रेश चाहिए, यंग चाहिए, तो एक एज लिमिट को कम करने का एक रिक्वायरमेंट था। नंबर 2 ये था कि जब आप उसको वहाँ पे नौकरी देते हो 47-46 में रिटायर करते हो एज पे, तो उसके बाद उसकी पेंशन कॉम्पोनेंट काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब हालत ये हो गई थी कि हमारी वैसे भी लोकतंत्र की बात हो रही है, डिफेंस बजट हमेशा ही लास्ट हाशिए पे होता है, कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ता है पॉपुलर मेजर्स वर्सेस डिफेंस, और उस चक्कर में हमारा जो 2 फ्रंट वॉर 2.5 फ्रंट वॉर, अब मैं कहता हूँ 2.5 एंड अनदर हाफ ऑफ साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो इस किस्म करते करते जो हमारी मॉडर्नाइजेशन होनी थी उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी, पर मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा कहाँ है? सबको ऐसा चला जाता है पेंशन में। तो ये 2 मेजर इश्यूज थे जिसके लिए उन्होंने एक स्कीम लाई। अब स्कीम लाई, जैसा कि मेरे साथी पैनलिस्ट ने बताया कि वो 4 साल के बाद चले जाएंगे, 17.5 से लेकर के 21.5 साल की रफली एज की उसकी क्वालिफिकेशन है। अब 17.5 साल में एक बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, उसको आप NCC कराते हो, उसको आप NSS देते हो,
उसको आप को करिकुलर एक्टिविटी सिखाते हो ताकि वो देश के लिए एक अच्छा नागरिक बने, कल को आके देश की वेरियस फील्ड्स में कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाता है, कॉर्पोरेट में जाता है, नौकरी करता है, जहां भी करता है वो कॉर्पोरेट देश को कंट्रीब्यूट करता है। तो वो जो चीजें यहाँ आपकी एनसीसी एनएसएस वगैरह वो नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे 17.5 साल का 12वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा जब वो जाएगा 4 ईयर्स आर्मी के अंदर रहेगा तो उसका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, डिसिप्लिन आएगा, वो अपनी जितनी पर्सनल स्किल्स हैं उनको बढ़ाएगा। और जब वो बाहर आता है 11 लाख रुपए उसके हाथ में है, प्लस मोदी जी ने कितनी सारी स्कीम्स रखी हुई हैं वेरियस लोगों के लिए जो बनना चाहते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं साहिल? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो साथी प्रवक्ता है इन्होंने फैक्ट्स फिगर्स बिल्कुल सही दिए। राजनाथ साहब की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं एक एक करके इनको रिबट करूंगा। राजनाथ साहब की जो स्टेटमेंट है, कोई भी सिचुएशन आप करते हो, कोई भी स्कीम चलाते हो, वो 100% परफेक्ट नहीं होती, बहुत सारी सुधार की गुंजाइश रहती है, सुधार की गुंजाइश किसी भी स्कीम में रहती है, कोई ना कोई इन्फॉर्मिटी रहती है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। तो वो स्कीम उन्होंने इसलिए बोला, स्टेटमेंट दी इन्होंने, कोट किया जनरल नरावने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस स्कीम को लाया कौन? इज अप्रूव्ड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो इस किस्म की बातें कहना, ये एक बहुत लंबी डिबेट चल रही है, आपसी मतभेद हो सकते हैं विद इन द आर्मी एस्टैब्लिशमेंट, ये नहीं कि अगर जनरल ने कुछ बोल दिया तो सारे उससे सहमत रहेंगे, ये गलत धारणा है सिविल के अंदर, यहाँ पे भी डिबेट होती है। एक मिनट में, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मेरे को ये ऑब्जेक्शन थी, मैं साहिल से पूछूं। साहिल जी देखिए, विनोद जी आपने कहा, इन्होंने हमारे ब्रिगेडियर साहब जो थे इन्होंने बात की शुरुआत की कि स्कीम क्यों लाई गई, इन्होंने पूछा क्यों लाई गई, वो तो जिन्होंने लाइन उनको भी नहीं मालूम है, और इन्होंने कहा जनरल नरवणे साहब का नाम लिया कि जनरल नरवणे साहब जो है जो उन्होंने कह दिया वही जो है वो सही नहीं है। हम भी यही बात कहते हैं कि जनरल नरवणे साहब की बात सही नहीं है, लेकिन जो सामने से भी अगर किसी ने कोई तर्क रखे जब कुतर्क कर रहे हैं वो भी शायद बात जो है सही नहीं है। आपको याद होगा विनोद जी कैलाश विजयवर्गीय का बयान, उसने कहा ये कह रहे हैं कि आर्मी हो जाएगी, यंग हो जाएगी, यंग लोगों की जरूरत है, उसने कहा रिटायर होकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आप आकर चौकीदार बन सकते हो। आपके 10 दिन पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स है और मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही है, 62 न्यू मिलिट्री स्कूल जो थे उसमें से 40% जो स्कूल है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को सौंप दिया जा रहा है। इसके पीछे की जो सोच है ना, इसके पीछे की जो मानसिकता है, ये सवाल हम उसमें उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि जब भी जो है एक इलीट क्लास, अगर आप उसको आर्मी के अंदर भी ले लीजिए, जब उनकी अपनी सुख सुविधाओं की बात होती है, जब अपना जो है पेंशन और बाकी चीजों के रिगार्डिंग बात होती है, अपनी मेडिकल फैसिलिटी की बात होती है, अपने पेंशन, अपने जो कैंटीन सुविधाओं की बात होती है, तब तो जो ऊपर वाला एलीट क्लास होता है वो सारा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो वो छोटा जवान जो गांव धानी से विनोद जी मुनासब क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या मंशा है? क्या वाकई में सेना कमजोर होगी या फिर सेना जवान होगी? जो आइडिया इसके पीछे विनोद जी, इस हुकूमत की कोई समझ नहीं आती है। जो भी डिसीजन लेते हैं बड़े अजीब से डिसीजन लेते हैं। आते ही इन्होंने नोटबंदी का डिसीजन लिया, बिल्कुल 150 लोगों को मार दिया, सड़कों पे लोग खज्जल हुए, ठीक है। उसके बाद जनधन, मुझे चंद्रमोहन जी बताएंगे जनधन कहाँ गया, स्वच्छ भारत आ गया वो भी लोगों ने टॉलरेट किया, GST आज तक समझ नहीं आ रहा कि GST दुकानदार तंग है, व्यापारी वर्ग तंग है। जो फाइनल स्ट्रोक इन्होंने किया विनोद जी, वो अग्निवीर का किया, देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। ये खुद पेंशन ले सकते हैं, बिल्कुल, और हम अपनी आर्मड फोर्सेस को सब जगह पेंशन खत्म कर दी है इन्होंने, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में पेंशन खत्म कर दी है। लेकिन अगर ये कहो कि आर्मी वालों को जो हमारे जिस जो सीमा पे लड़ते हैं ना, तभी हम यहां पे हम डिबेट कर रहे हैं। विनोद जी मेरे फादर भी आर्मी में थे, वो भी महसूस करते हैं। अगर इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त का एक किताब में लिखते हैं तो कुछ तो कारण होगा ना, उन्होंने ये लिखा ना कि हम भी सरप्राइज हो गए कि ये स्कीम कहां से आ गई। आप 4 साल में
घर भेज देते हैं, मेडिकल की कोई सहूलत नहीं, पेंशन की कोई सहूलत नहीं, फैमिली को कोई सहूलत नहीं। अग्निवीर के दो लोग शहीद हो गए जनाब, एक पंजाब के थे, दूसरे शायद राजस्थान के, नहीं मिला कुछ नहीं मिला उनको, बिल्कुल चिल्लाती रही उनकी फैमिलियां। जब तक देश की सीमा सुरक्षित नहीं है कुछ सुरक्षित नहीं है। अपने लिए पेंशन चाहिए, अपने लिए हमें तीसरा टेनोर भी दे दीजिए, और जब अग्निवीर की बात आती है आप 4 साल में निकाल देते हैं, उनको घर भेज देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर आ जाए, हम आपको चौकीदार लगा देंगे। ये कौन सी गवर्नमेंट है? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश के किसानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। हद कर दी इस गवर्नमेंट ने। ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये आज इनके क्योंकि वोटों का मसला आ गया है। आज राजनाथ सिंह जी भी कहते हैं हम सोचेंगे। भाई अगर आपको अग्निवीर ठीक कर दिया किस लिए सोचना? इसलिए कि आपको भी पता गलतियां हो गई। नोटबंदी कहिए ना जाके इलेक्शनों में, नोटबंदी में हमने मारा मिलिटेंसी खत्म कर दी, ब्लैक मनी ले आए, उल्टा जितनी ब्लैक मनी थी उससे ज्यादा पैसे आ गए बैंकों में। ये बड़ी अजीब से डिसीजन लेती है ये गवर्नमेंट, और फिर जब फंस जाती है तब फिर उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। अग्निवीर का जाए ना कहें, ठोके छाती ठोके कहें हमने अग्निवीर लागू किया है, हम उसी पे टिकेंगे। क्यों ऐसे मिक्स वो बयान देते हैं? नहीं, हम अग्निवीर पे फिट सोचेंगे। किस लिए सोचना? आपने तो ठीक किया है जी। चंद्रमोहन जी आपको क्या लगता है, जितने इल्जाम आपने लगाए हैं आप पर, जो मनासा इनको एक ही जवाब दूंगा, जनधन का, जनधन अकाउंट थे तो तब आज पूरा पैसा, चाहे किसान निधि है चाहे कोई सम्मान निधि है, हर सीधा पैसा अकाउंट में जा रहा है। आदरणीय जनधन में आपने 34 करोड़ इकट्ठा किया, अडानी को दे दिया, उसके बाद जनधन आज बंद है, आपको पता नहीं है? सुनिए, बंद है आज, कोई स्कीम नहीं मिल रही। जो 5-5 रुपए लोगों ने जमा कराए ना जनाब विनोद जी, वो भी इकट्ठा किया, 34,000 करोड़ इकट्ठा किया, अडानी को दे दिए। सुन लीजिए, जनधन में क्या है, जनधन में सीधा पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है। जब जनधन अकाउंट खोले थे तब भी ऐसे ही चलाते थे, क्यों खोले हैं? विदोर उसके खोले हैं, पैसा नहीं उनके अकाउंट में। जनधन इसलिए खोले थे कि वो 15-15 लाख रुपए लाने थे, लोगों ने कहा वो 15 लाख रुपए आएगा, रोज जाके वहां पे बैंक मैनेजर को पूछिए, वहां पे बैंक मैनेजर को पूछिए ना वो 15 लाख कहां है। भाई साहब बात सुनिए ना, सुनाइए। आज सीधे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी स्वर्गीय कहते थे, मैंने सुना था परेड ग्राउंड के अंदर जलसा हुआ था, हम आपके पास 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसे पहुंचते हैं। आज भी 10 पैसे ही पहुंचते हैं, आज भी वो जो है 10 से 15 नहीं हुआ, आज भी 10 ही पहुंच रहे हैं, आज भी 10 पहुंच रहे हैं, लेकिन आज डिजिटल सिस्टम से पहुंच रहे हैं जनाब। इतने वो कहते हैं मैं प्रयास करूंगा 15 पैसे पहुंचे, 15 पैसे 85 पैसे जाते थे, आज 1 रुपया आ रहा है सीधा 1 रुपये अकाउंट में जा रहा है, आज 10 रुपये आ रहे सीधे अकाउंट में जा रहे हैं। ये बिचौलिए खत्म हो गए हैं। इनकी मैं बात करूं स्वच्छ भारत पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज हिंदुस्तान भी साफ हो सकता है। मैं अगर जम्मू शहर की बात करूं, सुनिए स्वच्छ भारत, लोग तो बड़े फोटो खिंचाते थे, स्वच्छ लेके सब लोग फोटो खिंचा रहे थे, अब कहां गए स्वच्छ भारत? नजर ही नहीं आ रहा, बताइए कहां पे नजर आ रहा है? सुनिए साहब, यहाँ पे बाहर दिखाता हूँ, भारत ये नहीं है कि स्वच्छ भारत सिटी खत्म, स्वच्छ भारत खत्म, आपके आपके कहने से नहीं बोला, फिर आपको क्यों नहीं लोग वोट देते? खत्म है, क्यों नहीं देते? अब जाओ, क्यों मोदी को वोट देते हैं? क्यों मोदी को वोट देते हैं? जम्मू में करिए ना, कश्मीर में क्या नहीं, हमने ये स्कीम लाई, इन्होंने क्या लाया? इन्होंने रोहिंग्या लाए, इन्होंने क्या लाया? बांग्लादेशी लाए, आज वो देश के लिए सिरदर्द बने, इन्होंने आज जम्मू शहर के अंदर रोहिंग्या लाए, इन्होंने बांग्लादेशी लाए, इन्होंने वो लाए, देश के अंदर मिलिटेंसी लाने वाले ये लोग हैं। आज कहां है मिलिटेंसी? आज कहां काम कर रहे हैं? आज कहां आने वाले हैं? आज कहां के पत्थर आने वाले? कहां गए वो? आज कहां गए? आज आपके बॉर्डर सीजन कहां फायरिंग हो रही है? आज कहां वो हो रही है सुरक्षा की दृष्टि से? आएंगी चंद्रमोहन जी, छोटा सा देश, सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, आज क्यों नहीं बम फट रहे? आप विपक्ष की मानसिकता को कैसे पढ़ते हैं? क्या युवाओं के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ सहानुभूति है, या ये वोट बैंक की राजनीति है? ये दो है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि ये स्कीम कोई ऑल ऑफ अ सडन इस इलेक्शन के लिए नहीं आई है। मैंने आपको बोला इसके ऊपर पिछले 30 साल से विचार हो रहा है।
जनरल नरावने साहब का कोई व्यू पॉइंट था और सही था, ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम के अंदर कुछ कमियां होती हैं जो उस वक्त विजुलाइज नहीं की जा सकती जब वो प्लान बनता है जी। बाद में जब आती है तो उनको धीरे धीरे काम किया जा सकता है। अब सिर्फ यही बोलना कि जल नरावने ने अपनी किताब में लिखा, तो जब वो चीफ थे तब क्यों नहीं बोले? माय क्वेश्चन इज दैट टू कांग्रेस पार्टी, नॉट टू जल नरावने। इसलिए नहीं बोले कि उनको पता था ये चीजें होंगी, पर किसी वजह से जो मैं अभी आपके सामने नहीं बोल सकता, और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है मुझे अपनी किताब लिखनी चाहिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो किताब भी आपने बैन की हुई है बाय द वे, मुझे नहीं पता वो किताब अगर वो है तो देयर आर सिक्योरिटी इशू के कुछ अगेंस्ट था इसलिए। सो ये कहना कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता। इनफैक्ट आई विल कंटेस्ट जो मेरे कांग्रेस भाई का जो बयान है कि जब अपनी बात होती है तो बड़े लोगों को देखते हैं, जवानों को नहीं पूछते। इनको मैं बताना चाहूंगा जो ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की है वो टोटली डिफरेंट है। आप तब पैदा भी नहीं होते जब चटवट मोटो जो है जो ऑफिसर्स को सिखाया जाता है जवानों के साथ क्या है। हम ऑफिसर बनते हैं, पहले दिन जब मैं भी ऑफिसर बना था तो मुझे बोला बेटा अपने रैंक वैंक उतारो, डांगरी पहनो, जवानों के साथ खड़े हो जाओ, उनके साथ उनके बैरक में रहोगे, उनके साथ खाना खाओगे, उनके साथ काम करोगे और एक हवलदार के अंडर काम करोगे एज एन ऑफिसर, नॉट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। बाकी ऑफिसर पहले दिन ही जाके बैठ जाते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये कहना कि ये यहाँ पक्षपात है, ये आप वीकन कर रहे हो इंडियन आर्म फोर्सेस के मुराद को। होल्ड इट, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, अटर नॉनसेंस। और अगर इस नेशनल चैनल के ऊपर ये विचार प्रोग्रेस किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो आई बी द फर्स्ट वन टू अपोज द कांग्रेस पार्टी। वैसे भी मैं राहुल गांधी जी के बयानों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, वो चाइना के बारे में बहुत बकवास करते हैं, सॉरी फॉर यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, माई अपोलॉजीज। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कमियां हैं, कमियां हमने आइडेंटिफाई करी हैं। पर इसका जो तीसरा आपने मुझे जब मैं इनके फायदा बता रहा था, आपने तीसरा फायदा रोका कि एनएसएस एनसीसी के ऊपर इतना हमारा बजट है। मैं खुद एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुका हूं एनसीसी डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट का, 2 लाख बच्चे थे मेरे पास, वो सब काम जो है वो अब ये 4 साल में आर्मी के अंदर होगा। जब वो बच्चा बाहर आएगा उसके पास पैसे भी होंगे, प्लस उसके बाद उसको नौकरी के प्रोविजन किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट के अंदर गवर्नमेंट में भी प्रोविजन किए जा रहे हैं। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनता है ही इज अ बेटर सिटीजन कंट्री को। आज 2047 में जो विकसित भारत हमको बनना है, जो हम बन रहे हैं डेवलपिंग कंट्री, उसके लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। साहिल जी आपके पास आते हैं हल्के से ब्रेक के बाद। आर्मी के लोगों को भी सरकार ने जो है वो टूल बना दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ ब्रिगेडियर साहब जो थे, मैं कुछ उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने राहुल जी के लिए कहा। देखिए डेमोक्रेसी में आपका हक है, आप किसी का भी जो है, आपको कोई अच्छा लग सकता है, किसी की भी आलोचना कर सकती है, लेकिन सिलेक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो नहीं होना चाहिए मेरी नजर में। इन्होंने कहा कि चाइना को लेकर कहते हैं, चाइना ने जब हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है, लेकिन उस पर जो है वो शोर शराबा जो है वो नहीं पड़ेगा क्योंकि अप्रोच जो है वो सिलेक्टिव हो जाती है। दूसरा मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा, हमारे बड़े जो वरिष्ठ लीडर है जब भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता साहब, इन्होंने जब ये बात जवाब दे रहे थे एनसी के हमारे साथी का, इन्होंने कहा कि मिलिटेंसी लेके आए। देखिए पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से देश के गृह मंत्री ने आतंकवादियों को जाकर कंधार में जो है वो जाकर छोड़ा था, कौन सी सरकार थी, कौन सी सरकार के वो होम मिनिस्टर थे, पूरी दुनिया ने देखा कि संसद में हमला जो था वो किसकी सरकार के समय हुआ। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना कि कब किसके समय में क्या हुआ, जो प्रेजेंट की सरकारें होती हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपने जो है वो एक अच्छा माहौल बनाना है, जो है सामने अगर कोई दुश्मन देश है उससे जो है वो स्ट्रांगली मजबूती से जो है वो लड़ना है। और मैं इसमें एक चीज को और जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ हमारे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, देखिए नेचुरली बात है मेरे पैदा होने से पहले भी इस देश के अंदर जो है वो कई जो है वो डेवलपमेंट्स हुई होंगी। सिर्फ एक आर्मी ही एक ऐसा, अगर देखा जाए एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो जिस क्षेत्र में होता है उसको उस क्षेत्र में गर्व होता है। मैं आरसपुर रहता हूं, मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहता हूं, पूरे जिले में जितने डॉक्टर नहीं थे उतने हमारी फैमिली में उस दौर में 5 डॉक्टर थे।
तो लेकिन मैं इस बात का कोई बड़ा भारी गर्व नहीं करता हूं कि हमने जो बड़ा मेरे परिवार ने जो है वो बड़ा बड़े 30 बार खाते तो बड़ा भारी कोई जो है वो तीर चला दिया। हर एक की अपनी जो एक्टिविटी है, अगर आप पॉलिटिक्स में है ये भी एक तपस्या है। राजनीति जो है मैं उसको मानूंगा, वो सबसे ज्यादा अगर तपस्वियों का कोई काम है तो वो राजनीति में है। पूरे दिन जो है आपको लोगों की सुननी पड़ती, लोगों के जो है मुश्किलें होती है उनको हल करनी पड़ती। इसका एक्सपीरियंस तो हमारे जो गुप्ता साहब है उनको बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि पिछले 30 साल से वो भी राजनीतिक जीवन में है। कोई भी क्षेत्र कर लो, आर्मी कोई उससे इस देश के बाकी जो हिस्से जो बाकी चीजें है उससे कोई अलग नहीं है, कोई उनके सिर के ऊपर कोई चार सीम नहीं है। हर एक क्षेत्र में हर कोई जो है अपनी तरफ से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो है राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। अब मैं सिंपली पूछ रहा हूँ, क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है? विनोद जी बिल्कुल, आप सुनिए, हजारों की तादाद में बच्चे बिहार से चले हैं पैदल और दिल्ली आए, जंतर मंतर को धरना दिया, वो देर रात बच्चा जिसने एग्जाम क्लियर किया, जिसने जो है बाकी जितने भी जो परीक्षण होते हैं उनको जो है वो पास करके जो है यहां पहुंचा और अंतिम समय में जो था उसको जो है वहां से बाहर निकालने का काम किया, जो इतनी गिरावट आ रही है, देश की सेना कमजोर हो रही है, किसी को जो दिखेगा दिखे पसना मजाक के लिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने वादा कर दिया है, ये कांग्रेस पार्टी का वादा है कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में कोई फैसला होगा, वो फैसला ये होगा कि इस अग्निवीर स्कीम को जो है वो खत्म किया जाएगा। और दूसरा, मेरे जो ब्रिगेडियर साहब है उन्होंने जी तीन भी बोलो ना, 370 लाएंगे वो भी लाएंगे, 4 जून को आप आएंगे, अब ये भी बोलो कांग्रेस पार्टी बोले ना हम आएंगे, 370 लाएंगे, क्यों नहीं बोलते, बोलिए बोलिए 370 लाएंगे। अनुराग ठाकुर आया था जम्मू कश्मीर में, तो एक मीडिया के बंधु ने, आप जैसा बड़ा देशद्रोही मीडिया का बंधु था, उसने सवाल पूछा, उसने कहा जिस हिमाचल प्रदेश से ठाकुर साहब आप आते हो वहां धारा 371 लगी हुई है जो वहां के लोगों को जमीन की जो है सुरक्षा देती है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या प्रॉब्लम थी? डंके की चोट पे बोलते हैं। गुप्ता साहब जरा आराम से सुनिएगा कि जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में जब हम ताकत में आएंगे जो कुछ हो सकेगा हिंदुस्तान का, हम 370 देने वाले थे, तोड़ने वाले नहीं थे, 371 के रूप में या बाकी ऐसे प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन की सुरक्षा करते हो, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा करते हो, हम देंगे, हम देंगे, उन्होंने बता दिया है चंद्रमोहन जी कि अगर कांग्रेस की हुकूमत 4 जून के बाद आती है तो 370 नहीं तो 371 जरूर दे दिया जाएगा। ये 370 बोल नहीं सकते, अगर आज कश्मीर से हमारा ही कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट हुआ तो 370 के कारण हुआ है, इनके कारण हुआ है, एनसीएल कांग्रेस के कारण, इनके इनके कार के कारण हुआ है, इनके कारण हुआ है। आप छोड़िए, आप छोड़िए, आप देखते हो हम जम्मू छोड़ने वाले, 370 नहीं हटा, जम्मू का नेता भी हमें जाने वाले थे, वो भी था, आप छोड़िए इसको, आपकी बात करिए, सुनिए आप, पूरा देश आने वाले, सुनिए मेरी बात, हमने उसको दुरुस्त किया है, हमने दुरुस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें दुरुस्त किया है, ठीक किया है। आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में देखिए, आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए। सुन लीजिए ना साहब, अगर 370 कैंटर नहीं हटता तो हम जम्मू के लोग भी यहाँ से माइग्रेट कर अभी पार होते, ये हालात है इसकी, लोगों ने वहां हिमाचल के अंदर, लोगों ने दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर अपने फ्लैग मांगे है, ये हटा है करके जम्मू के लोग, अब छोड़े इस बात को, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनता है भारतीय जनता पार्टी, आप सुनिए, सुन रहा, मेरी बात सुनिए, अग्निवीर अग्निवीर की बात आप कर रहे हो, अग्निवीर की स्कीम आप लागू रहेगी, जो भी उसमें कमी होगी उसको हम दूर करेंगे, और सुनिए जो राजेंद्र सिंह ने कहामेंट हुए संविधान की कितनी अमेंडमेंट हुई है उसके छोड़िए, आने वाले देश का बच्चा बच्चा, देश का बच्चा बच्चा चेंज करेंगे, देश के बच्चे बच्चे को चाहे हर बच्चे को हम आर्मी के लिए ट्रेनिंग देंगे, पूरा आने वाले समय में सभी देश में कोई आफत आए देश में, तो क्या 270 के आंकड़े के साथ संविधान में चेंज नहीं हो सकता? क्या लेने चेंज अगर कुछ संशोधन कर रहे हैं, ये 400 आएगा, आएगा 400 आएगी, आप भाई साहब अभी तो अभी कितना कर रहे हैं जी, आप डर क्यों रहे, अभी तो कुछ क्षण पहले आप हम 400 जाएंगे तो हमारी सरकार आने वाली है, नहीं मेरा क्यों रहे, एक स्कीम देश हित में, आपको क्यों लग रहा है इसकी सुरक्षा ये नहीं है,
देश की सुरक्षा के लिए एक एक बच्चे को, जो नौजवान को हम ट्रेन करेंगे आने वाले समय में, कभी भी देश के ऊपर कोई आफत आए, हमारा देश का बच्चा गन लेके सीधा बॉर्डर पे जाए, ज्वाइंट पॉलिसी तरह से हम एक बच्चा तैयार करेंगे देश का। ये मैं आपको इनको कह रहा हूँ, आपने नहीं किए। सुनिए, साहब ने कहा, हमने उस वक्त अपनी किताब में लिखा कि हमने हमारी बात को ना मानते हुए उस समय की सरकार ने जो है वो किवी और जो है वो सोर्सेस के ऊपर बहुत सी किताब में लिखी है। बहुत सी किताब आप तो चले गए, बहुत सी किताब में नेहरू के बारे में लिखी गई है, इंदिरा के बारे में लिखी गई है, किसके बारे में लिखी गई है, कौन सी किताब में, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा बच्चे मेरे जो बच्चे ट्रेन ही नहीं थे उनको उठा के जो है वो युद्ध के मैदान में जो है अपने दाग दिया। आप बोलते जा रहे हो, आप देश की जनता आपको जज करते जा रही है, जज करते जा रही है। आप देख लेना, चार जून को मना साहब, क्या आपको लगता है कि अग्निवीर जो राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, देश की एकता और अखंडता से जुड़ा मुद्दा, सरहदों से जुड़ा मुद्दा, आर्मी से जुड़ा मुद्दा, उस पर सियासत होनी चाहिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मैं पहले वो क्लियर करता हूँ, फिर अग्निवीर पे आता हूँ। अपने अपने व्यूज हैं, ब्रिगेडियर साहब या आर्मी वाले जो भी आर्मी में जाते हैं वो अपनी चॉइस से जाते हैं, बिल्कुल उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह जो व्यापारी है, अग्निवीर भी चॉइस से जा रहे हैं, आप नहीं भेज रहे, चॉइस से आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं। आपने मान लिया कि गलती हुई है वहां पे भी आप हो गए, अमेंडमेंट हो गई होगी, आप चॉइस से आ रहे हैं, बच्चों की हाई लगेगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, मोदी को हाई लगेगी। आप सुनिए साहब, क्यों आप ये कह रहे हैं? तो जो भी इस देश का नागरिक है, आप जर्नलिज्म में हैं, आप वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल। जो व्यापारी है वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेट है वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई किसी से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस चीज को आर्मी वाले हमेशा ये बात कहते हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी की कंट्रीब्यूशन, आपके इधर जो पानी पिलाता है उसकी भी उतनी कंट्रीब्यूशन, अगर वो पानी नहीं पिलाए तो आप चल नहीं सकते। साहब आर्मी वाले ज्यादा कर रहे हैं, सुनिए, हम सोते हैं रात को, वो वहां खड़े होते हैं पे। मैं वहां जाता हूं, चंद्रमोहन जी ने एक बात तो मानी ना, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कमी नहीं है। देखिए विनोद जी, जो आदमी चार साल के लिए जाता है ना, अगर आपको पता हो ना कि आपकी नौकरी यहाँ से चार साल के लिए है, तो आज में आप में वो जज्बा नहीं आता है। आपको पता हो ना आपकी फैमिली पीछे सिक्योर हो, तो आप उस जज्बे से आगे मैदान में लड़ने जाते हो कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं शहीद हो गया देश के लिए, तो मेरे को फैमिली को देखने के लिए मेरी आर्मी है, मेरी देश है, मेरे देश की गवर्नमेंट है। इन लोगों ने क्या किया, बच्चों को गोली के आगे तो कर दिया, लेकिन उनकी सुरक्षा के बारे में, उसकी मेडिकल के बारे में, उसकी पेंशन के बारे में, अपनी पेंशन लेनी हो पार्लियामेंट में आती है, असेंबली में आती है, झट से पास हो जाती है। इनकी आनी हो तो वो हमें हमारा बहुत बर्डन हो गया। बर्डन ये कौन सा बर्डन हो गया? सबसे पहले देश की सुरक्षा है, सब सुरक्षित है। इनका काम है सिर्फ गलत स्कीमें लानी, कोई अमेरिका से ले आना वो स्कीम लेना, कोई अडानी को एडजस्ट करना तब स्कीमें ले आओ। फार्मर्स के लिए क्या चल रहा है, क्यों फार्मर्स 700 लोग मर गए, क्योंकि अडानी को एडजस्ट करना है, तो वो स्कीम ले आओ। चलो अच्छी बात है, चंद्रमोहन जी ने ये तो माना, अगर इसमें कोई कमी है मुझे कमी हो गया है, शुक्रगुजार हूँ, ये ऐसी बात मान रहे हैं और इसको अमेंडमेंट करेंगे और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर साहब सवाल ये उठता है, पूर्व सैनिक ने कहा कि आईएएस लॉबी इस तरह की चीजें सरकार से करवा रही है, क्या वाकई में सेना का मनोबल गिरा है? जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चार साल की उनकी नौकरी है, उनका वो उत्साह नहीं रहता है, उनको लगता है कि चार साल के बाद हमने तो रुखसती कर लेनी है, वो जज्बा जज्बात नहीं रहते। देखिए जो डिस्कशन का डिस्कोर्स जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा है, वोट बैंक्स की तरफ कम है। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन इस पूरे डिस्कोर्स में है कि जो भी बयान दिए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करता है, और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं भी देता हूँ, आपने एग्जांपल दिया पानी पिलाने वाले का, मैं बाहर सड़क पे रेडी वाला जो समोसे देता है उसका भी एग्जांपल देता हूँ, मैं भी देता हूँ। परंतु अगर आपने सिर्फ उसको जस्टिफाई करना है, ये बोलने की आर्मी कम है या हम उनसे कम नहीं, तो आइए आप भी, आपने क्यों नहीं ज्वाइन करी आर्मी? हमने ये नहीं कहा कि आर्मी कम है, मैंने कहा हर आदमी की बोला, आपने बोला नहीं कहा आर्मी कम है, आर्मी वाले आपने कहा सी लगे हुए हैं,
सील लगे हुए हैं। आपने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा हर आदमी की कंट्रीब्यूशन, हर आदमी का बोला सील, आप ऐसा मत कहिए, सील लगे हुए हैं मनाज साहब, मनाज साहब अपने अगर कोई भी आता हर आदमी की कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में। मनाज साहब अपने फादर को जाके पूछे घर जाके सील लगे हैं कि नहीं लगे हैं। सियाचिन में 3 महीने जब वो बंदा बैठता है उसके ऊपर, जब वो नीचे आता है उसकी क्या कंडीशन होती है? देखिए हम कारगिल की जो आप बात की, 1 मिनट आप बात करो, यूरोप एक यहां पे काम करता है, बात करो, यूरोप एक की बात की है, जो पीएम काम करता है उसकी कंट्रीब्यूशन, जो भगवान है उसकी कंट्रीब्यूशन, मैं ब्यूरोक्रेट की बात नहीं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेट की बात नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूशन है किसी की, कंट्रीब्यूशन को हम नीचा या ऊपर नहीं कर सकते। आर्मी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज, इनको पैनलिस्ट को बोलिए इंटरप्ट कोई नहीं करेगा। करो सर, आपको मैंने तो इंटरप्ट किया नहीं है। व्हाट इज दिस? आप दोनों पैनलिस्ट ये क्या है, आप दोनों पैनलिस्ट क्या है, आप बोल रहे हैं, इज इट नॉट इंटरप्शन? आई मीन बात कर रहे हैं, कंटिन्यू बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स का हवाला दे रहे हैं मुझे। मैं अभी बताता हूँ आपको सियाचिन की कहानी, और इन्होंने बोला देश की सुरक्षा कमजोर कर दी अग्निवीर से। आपके नेहरू जी ने क्या किया 47 ऑनवर्ड्स टू 62? मैं बात करूं, आपने कारगिल की बात की, हमारे बंदे मरवा दिए 62 में, जो मरे बेचारे उनके पास जूते तक नहीं थे, एम्युनिशन तो बहुत बार की बात है। होल्ड इट, लेट मी फिनिश। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जूते तक नहीं थे, तब कौन था सरकार में, क्या थी आर्मी की कंट्रीब्यूशन, पर फिर भी लड़े। आप देते हो ना परमवीर चक्र, बोलते हो उनकी बातें याद करते हो ना, ये जज्बा आज भी है। और ठीक है वॉलंटरी फौज है, आपको किसी ने नहीं बोला आ जाओ, आप मर्जी से आयो, तो उनको पैसे भी नहीं देने हैं। पे कमीशन बैठती है, क्या बोलता है आपका ब्यूरोक्रेट जी, हमने सबसे पहले तो देखना है जुडिशरी इज द टॉप, इज जुडिशरी डूइंग द एज गुड अ जॉब एज द आर्मी? कंट्री के अंदर दो ही संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं आज की डेट में, ये किसी से डिबेट करा लीजिए मेरे से, एक है आपकी इसरो और एक है इंडियन आर्म फोर्सेस, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं निकालता है। एक ब्यूरोक्रेट गलती होती है उससे इज जस्ट ट्रांसफर्ड, आर्मी वाले और कोर्ट मार्शल देर एंड देन होके उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये कांग्रेस पार्टी की देन है, हमारे वो प्रज्ञा साध्वी और 3-4 ऑफिसर्स नाम नहीं लूंगा, डिफरेंट स्टोरी, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट ऑल्सो। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं वो ब्यूरोक्रेट क्या कहता है, पे कमीशन में बैठ के ये बोल रहे हैं, प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, कैंटीन नजर आ रही है इनको, ये नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, पर वो भी जो उनकी कंडीशन है, जिस तरीके लड़ते हैं, वो कैसे गोलियां खाते हैं, इन्होंने कभी देखा ही नहीं है और ना इनको पता चलेगा। ब्यूरोक्रेट क्या कहता है उसमें, सोल्जर, सोल्जर चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स का किसी भी ब्रांच हो, इज इक्विवेलेंट टू अ नॉन स्किल्ड लेबर। ये है स्टेटस ब्यूरोक्रेट्स का टुवर्ड्स द आर्मी, नॉन स्किल्ड लेबर। जब तनख्वाह देने की बात आती है वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इज हायर देन द इंडियन आर्मी, उनको कैसे करना है, अगेन डिबेट का इशू है। अब ये नॉन स्किल्ड लेबर जो है वो आईआर डिवाइसेस ऑपरेट करता है, सर्वेलेंस डिवाइसेस ऑपरेट करता है, और मेरी ब्रांच में एयर डिफेंस में मेरे पास 12वीं क्लास का बच्चा आता है, उसको मैं बीटेक आईटी करवाता हूं, तब वो जाके मिसाइल रेडार ऑपरेट करता है। तो ये नॉन स्किल्ड लेबर है, ये है ब्यूरोक्रेट्स की जो जिनकी पैरवी हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। साहिल जी आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि सेना को या सेना की तुलना रोजगार से नहीं की जा सकती, ये कोई नौकरी पाने के लिए नहीं जाता है, कोई जज्बा होता है, देशभक्ति की बात होती है, राष्ट्रभक्ति की बात होती है। विनोद जी मेरा पॉइंट थोड़ा सा रह गया, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति ठीक है, समय होती है, मानता हूं मैं, वो जब मैंने बोला समोसे वाला बार समोसे बेच रहा है उसमें भी राष्ट्रभक्ति है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर, बट मैं ये बोल रहा हूं कि जो बंदा आपके लिए कोई स्पेशलाइज काम कर रहा है और बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के वो काम कर रहा है, आपको कैंटीन नजर आ रही, क्या है कैंटीन के अंदर, आप मेरी सैलरी देखिए, और मेरे से मेरा काउंटर पार्ट है, हमारी जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस प्रेसिडेंट इशू करता है कौन केस के इक्विवेलेंट है, उसका हिसाब देखिए कैसे डाउनग्रेडेशन हुई है, तो उसका मनोबल मत तोड़िए, कम से कम उसका मनोबल मत तोड़िए, डाउनग्रेडेशन किया नेहरू ने, हमको आर्म फोर्सेस नहीं चाहिए, और नेहरू जिस पार्टी के थे वो आपको मालूम है, मैं नहीं बोलूंगा, बेसिकली मैंने आपको कहा था ना कि 2014 के बाद एक जमात पैदा हो गई है जिस आर्मी को बिल्कुल राजनीति से जो है वो दूर रखा जाता था, वो भी आज जो है इंडियन आर्मी आज भी राजनीति से दूर है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस आज भी राजनीति से दूर है। गलत गलत चीजें मत बताइए, मैं रिटायर्ड हूं, मैं रिटायर्ड हूं, आई एम नॉट आर्म फोर्सेस, 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 मैं बाहर आ गया, बाहर आ गया, और लोगों के बयान सुन लो, मैं आप लोगों के बयान सुन लो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, 2016 के बाद मैं 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 2016 के ब
भारतीय जनता पार्टी के ब्रिगेडियर साहब के चेहरे को जरा ध्यान से देखिए, यही लोग जो है ये कहते हैं कि आपको वापस लौट वापस आप इस बात खत्म ही नहीं होगी, सुनिए बात आपकी खत्म नहीं होगी, आप सुनिए एवं सुनिए बात सुनिए आपको साहिब साहिब से उत्तर देते इनके बाद बहुत बड़ी बात की लोग का 1962 की बात की 1962 सुनिए बासड़ी मैं चाहता हूं आपको देर से सुन लीजिए हम उस रिसोर्सेज के हिसाब देर से सुनिए बासड़ी की बात अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जो मेरी बात करने वाला बात हो और उन्होंने कहा सरकार के सामने खड़े होकर कहा जो है देश जो है देश को प्रधानमंत्री आकर बताए कि हमारी 1962 में क्या स्थिति है एक सेंसर के कहने पर हां यस यस सुनिए बात सुनिए भैया आप हो ये बात में आप बात सुनिए भैया सुनिए अटल जी ने वहां पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू था जवाब सुनिए उस प्राइम मिनिस्टर का पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब क्या था उन्होंने कहा आपने इतनी जमीन दे दी चाइना को इतना लद्दाख का क्षेत्र दे दिया नेहरू का जवाब पता क्या था जिस क्षेत्र में कुछ होता ही नहीं है होता ही नहीं है सुनिए 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 ऐसा लगेगा कि मनोज जी नेहरू का जवाब था सबसे तरीके से जिस जमीन पे चलिए जिस जमीन पे कुछ होता ही नहीं है जो होता ही नहीं है उसको दे भी दिए तो क्या किया उन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अगर घर का बुजुर्ग कोई गंजा हो जाएगा उसको घर से बाहर निकाल देंगे ये कहा था ये कांग्रेस है ये कांग्रेस है ये उनसे बातें की बात है ये किया इन्होंने पाकिस्तान किस आया कांग्रेस आया बांग्लादेश आप लोग देख रहे हैं आपको लोग देख रहे हैं सबको मौका दिया जी जी आने वाले सब आपको मौका दूंगा ना आप बहुत मौका मिला आपको कितना मौका चाहिए और आप बोलते रहोगे चलिए मैं ये कह रहा हूँ अग्निवीर के ऊपर देश की सुरक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए जो ब्रिगेडियर साहब की बात से मैं सहमत हूँ जो उन्होंने कहा कि देश का नौजवान जो है देश का जो अग्नि का मतलब ही है जिसके दिल में आग हो सुनिए सुनते जाओ आप
देश का अग्निवीर जो है, जब भी कोई सुरक्षा की बात आएगी देश में अटैक होगा, यही लोग वो हम काम करेंगे। भर्ती हो रहे हैं, मोदी कह रहे हैं इनको तकलीफ हो रही है। आने वाले समय में स्कीमें, इससे बढ़िया स्कीमें आएंगी इस देश के लिए। पाकिस्तान की बात की, कौन पाकिस्तान की किसा सरकार में था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पाकिस्तान किसान आया, अंग्रेजों का दलाल आपके सामने, आपके होते हुए ये देश हो जाएगा, आपके होते हुए ये देश हो जाएगा, अखंड भारत बनाएंगे। फिर आप तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये हिंदू महासभा के लोग जो थे वो भारत की आजादी का विरोध कर रहे थे। सावरकर के नेतृत्व में हमारे महाराजा हरि सिंह जो थे हम अखंड भारत की बात कर रहे थे। सियासत मुझे लगता है इसमें इतनी ज्यादा सियासत नहीं होनी चाहिए थी अग्निपथ स्कीम पर। जितनी होगी मैं अभी ये पॉइंट कहना चाहता हूं यहां पे, एक मिनट मुझे बोल लेना जी, फिर आप बोलिए सर। इस पे सियासत कुछ ज्यादा होगी मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब, शायद मुझे लगता है कहीं पे जहां हम इन्हें नहीं समझा पाए, जहां हमें नहीं समझा पाए, हम भी तो जनाब आर्मी के वेलफेयर की तो बात कर रहे हैं। हम कौन सा आपसे इधर उधर, आप सिंह मांगे सिंह कहां है, सिंह कहां है, सब बराबर हैं। नहीं वो हम का बिल्कुल बराबर है। आप कह रहे आप सुनिए ब्रिगेडियर साहब है जो आप आदमी ब्रिगेडियर साहब आप आदमी आप सुन लीजिए ब्रिगेडियर साहब का नंबर आते हैं। देखिए जब आपका आता ब्रिगेडियर साहब 24 घंटे आप डिसिप्लिन में रहने लगे लिमिट सुन लीजिए 24/7 वो वहां पे काम कर रहा है। मैं आता हूं जब आपकी बारी आती है तब 24 घंटे देखिए विनोद जी सुनिए, ये लोग करते हैं, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस थी जिन्होंने जनाब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, ये कांग्रेस थी जिन्होंने सिक्किम एक देश था उसको अपने साथ मिलाया, ये कांग्रेस थी। इनके वाजपेयी जी कहते थे ये दुर्गा है, सियासत ना चलाइए इसमें, सियासत लाके आप गड़बड़ी करते हैं। पंडित नेहरू को आप अपने मुताबिक स्टेटमेंट मत चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। हर किसी ने जो भी गवर्नमेंट आई अपने हिसाब से ठीक किया, अगर आज अग्निवीर गलत है तो मानना चाहिए कि अग्निवीर गलत है, ठीक करना चाहिए। आर्मी में सियासत नहीं, अग्निवीर बनना चाहते हैं हम भी यही कहते हैं मिलना चाहिए। खिलवाड़ मत करिए देश की सुरक्षा के साथ, देश का नौजवान ट्रेन हो रहा है, एक्सपर्ट हो रहा है हर जगह। एक मिनट जी जी देखिए मैं ये नहीं जानना चाहता, ये आरोप जरूर लगता है कि मोराल जो है डाउन हुआ है। बिल्कुल डाउन नहीं हुआ है, मोराल डाउन हो गया है। हिंदुस्तान की जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं सारे के सारे ऑफिसर शुड बी कोर्ट मार्शल स्ट्रेट अवे, देयर इज नो डाउनिंग ऑफ मोराल। मोराल ये सुन के डाउन होता है जो ये बोल रहे हैं। अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूं अगर ये अग्निवीर स्कीम गलत है तो फिर जो भारत की जो ऑफिसर्स की शॉर्ट सर्विस स्कीम है वो भी गलत है। वो चल रही पिछले 50 साल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कुछ छोटी मोटी कमियां थी जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दूर कर दी गई। अब जब इन हाउस डिस्कशन हमारी होती है, वी आर नॉट लाइक सिविल, सिविल में इंप्रेशन ये है कि आर्मी में डंडा चलता है, जो हुक्म दे दिया वो होता है, हुक्म दिया जाता है डिस्कशन के बाद। चलिए 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 अंदर ब्रिगेडियर साहब के अंदर देश दुनिया की खबरों के लिए। लेकिन इजाजत देने से पहले एक बार फिर मैं कहूंगा कि कल पहले चरण का मतदान है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।